नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा से लोग नाराज हैं। गांव वाले तो भाजपा से इतने नाराज हैं कि भाजपा से जुड़े लोगों को गांव में घुसने ना देने का मन बनाए हुए हैं। उन्होंने 25 बच्चों से कम संख्या के स्कूलों के बंद करने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ना सके। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सोच है कि लोगों को गरीब और अनपढ़ बनाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसलिए कृषि कानून बनाए हैं ताकि किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं हो सकता है, सत्ता में बैठे लोग ही आंदोलन को हिंसक बनाते हैं। आंदोलन को दबाने के लिए काले कानून बनाए जाते हैं। सुनिए इनेलो नेता अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा। हम दोनों जगह से अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे, दोनों जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने इसकी तैयारी कालका से शुरू कर दी। मैं पिछले 3 दिन से लगातार कालका के 36 गांव में होकर के आया हूं और आगे 26 तारीख से फिर मेरे कार्यक्रम हैं। उसके बाद अप्रैल के महीने में 2-3-4 अप्रैल को फिर मैंने कार्यक्रम रखे हैं। मैं 10 अप्रैल तक एक एक गांव में जाकर के आऊँगा। जो 2 शहर हैं छोटे छोटे, जो 2 कस्बे हैं जो गांव की शक्ल में ही हैं, उनके भी एक एक वार्ड में जाऊँगा और लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति आज बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत उत्साह के साथ लोग जो हैं हमारी मीटिंगों में आते हैं, हमारी एक एक बात सुन कर के लोग हमें ये विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम आपके साथ खड़े होंगे। हम भाजपा और जेजेपी को तो किसी सूरत में अपने गांव में भी इंटर नहीं करने देंगे, चाहे वो 20 घर का गांव है, चाहे वो 50 घर का गांव है, पहाड़ी एरिया है, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन सब गांव के लोगों का एक फैसला है कि इन दोनों पार्टियों को तो हम किसी कीमत पे। यहाँ तक भी लोगों ने मुझे बताया कि अगर ये कोई फोर्सली हमारे गांव में आ गए तो जिस तरह से हमने लॉकडाउन में अपने आप को घर में बंद कर लिया था, ये जब आएंगे तो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे। हम इनके लिए कहीं कोई कुर्सी नहीं निकाल के देंगे, कोई अपनी ठाके लिया तो अलग बात है, लेकिन हमारे गांव में हम ये फैसला ले लेंगे। अभी कोई आदमी इनकी मीटिंग में नहीं जाए। ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्राइमरी, इन स्कूलों का मकसद ये नहीं है कि इनमें स्टूडेंट नहीं है। इनको बंद करने के पीछे सरकार की एक मंशा है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, वो पढ़ लिख ना सके, गांव का बच्चा जो है आगे ना बढ़ सके। गरीब आदमी के प्राइवेट स्कूल किस काम का है, कहाँ से फीस देगा? प्राइवेट स्कूल में तो जितनी उसकी रोज की कमाई नहीं है उससे ज़्यादा फीस के पैसे लगते हैं, तो कैसे पढ़ेगा उसका बच्चा? ये बीजेपी की आरएसएस की एक सोच है कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए, लोगों को गरीब बना करके रखा जाए। इसीलिए कृषि के 3 कानून बनाए हैं कि कोई छोटा मोटा किसान जो है कहीं प्रोग्रेसिव था, कोई अच्छी खेती करता था, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाता था, उसको कैसे उसकी ज़मीन से आज बेदखल किया जाए। इसके लिए इस तरह के कानून बना दिए। इनकी सोच लोगों को शिक्षित करने के नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।